नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम लखन यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीबीएस वाला। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप देखेंगे डायमेंशनल डिटेल ऑफ सिंपली सपोर्टेड आरसीसी वॉइडेड स्लैब, जिसका लेंथ है आप देख सकते हैं 19 मीटर सेंटर टू सेंटर ऑफ एक्सपेंशन गैप, और इसका जो विथ है वेरीज है, एक साइड में है 12 मीटर 270, वही दूसरे साइड में है 13 मीटर 234। इसमें हम आपको पूरा डायमेंशनल डिटेल ड्राइंग बताएंगे जो वॉइडेड स्लैब है सिंपली सपोर्टेड का उसका। इसके पहले मैं आपको इसका प्लान दिखा रहा हूँ, और इसका जो जीएडी है, ये 19 मीटर जो स्पान है, इसके पहले क्या है, इसके बाद क्या है, कितने मीटर का है ये टोटल स्पान, सारा डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है दोस्तों प्लान हमारे साइट बागरा कोट टू काफेर का, जिसमें ये हिल एरिया का ये लूप पुल देख सकते हैं। इसका जो लेंथ है 377 मीटर का है। इसमें हम पहला स्पान A2 से P18 के बीच डिस्कस कर रहे हैं। ये इसका टॉप प्लान है। इसका मैं अब आपको एलिवेशन दिखा रहा हूँ। इसके एलिवेशन में आप देख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ बायोडक्ट है 377.050 मीटर का है, जो कि A1 से स्टार्ट होकर के P1, P2, P3, इसमें फर्स्ट पेज में P10 है, उसके बाद से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो दूसरा पेज स्टार्ट हो रहा है P10 से, सीधा है आप लास्ट में देख रहे हैं A2 तक। तो अभी जो हम सिंपली सपोर्टेड जो वॉइडेड स्लैब है A2 से P18 के बीच का है, जिसका सेंटर टू सेंटर ऑफ पियर है या एक्सपेंशन गैप 19 मीटर का है, उसके नेक्स्ट जो है वो 25 का है, 25 मीटर का है, फिर 19 मीटर का है, फिर 25 मीटर का है, उसके बाद से दोस्तों यहाँ से और ये P10 तक, यानी P10 से P15 तक ये आरसीसी कंटिन्यूअस वॉइडेड स्लैब है। सेम उसी तरह से P10 से P6 ये भी आरसीसी कंटिन्यूअस वॉइडेड स्लैब है, और फिर यहाँ से P1 से P6 तक ये भी कंटिन्यूअस वॉइडेड स्लैब है 95 मीटर का। तो टोटल स्पान इसका हो गया 377 मीटर, जिसका पहला हम इसमें डायमेंशनल डिटेल ड्राइंग देखेंगे सिंपली सपोर्टेड A2 से P18 के बीच, जिसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 19 मीटर। ये है दोस्तों प्लान सिंपली सपोर्टेड आरसीसी वॉइडेड स्लैब का। एबटमेंट A2 है और ये पियर P18। ये प्लान में आप देख सकते हैं इसमें 5 नंबर ऑफ वॉइडेड पाइप है, 1 2 3 4 5, जिसका जो डाया है आप देख सकते हैं इसमें 800 mm है। वाइड पाइप का जो डाया है 800 mm का है, और ये कोन है, कोन का ये शेप दिया हुआ है 400 से 800 के बीच, ये वेरी कर रहा है, 800 mm तक लेंथ है इस कोन का। सारा डिटेल देखेंगे। सबसे पहले मैं प्लान दिखा दे रहा हूँ। प्लान में मैंने आपको दिखाया इसका जो सोफिट है, सोफिट में आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक का ये इसका जो डिस्टेंस है 7 मीटर 500 का है। दोनों साइड सोफिट स्लैब का जो बॉटम विथ है वो सेम रहेगा 7 मीटर 500। उसके बाद से इसमें कैंटिलीवर पोर्शन है, कैंटिलीवर पोर्शन वेरीज है। ये एबटमेंट A2 के साइड में आप देख सकते हैं पहला है 2 मीटर 402 है, और ये दूसरे साइड में है 2368 mm। वही P18 के तरफ अगर देखें तो ये है 2993 mm, और ये दूसरे साइड है 2356 mm। तो इस तरह से ये पूरा कैंटिलीवर पोर्शन वेरी है, क्योंकि इसका जो विथ है वो वेरी कर रहा है और इसका जो सोफिट है वो सेम रहेगा, क्योंकि इसमें जो वॉइड पाइप है 5 नंबर है, इसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो इसीलिए ये सेम है, ओनली वेरीज है वो कैंटिलीवर पोर्शन में है। इसमें जो ड्रेनेज स्पॉट है सेंटर टू सेंटर ऑफ ड्रेनेज स्पॉट 5 मीटर का है। अब इसका मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन दिखा रहा हूँ। आप इस लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन में देख सकते हैं जो वॉइड है आरसीसी वॉइडेड स्लैब
उसका जो थिकनेस है 1200 mm का है। इस ड्राइंग में दोस्तों 1450 भी थिकनेस दिया गया है, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा उसमें जो वाइड का डाया है वो 1 मीटर का है, तो उसको देखना ना भूले। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इसका जो रिइंफोर्समेंट डिटेल ड्राइंग साइट पे कैसे प्लेसिंग किया गया है, स्टेजिंग अरेंजमेंट ड्राइंग सभी आपको देखने को मिले। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। टर्मिनल एलिवेशन के बाद से इसमें आप देख सकते हैं ये डिटेल ए डायमेंशनल ड्राइंग में दिया हुआ है। ये जो वॉइड स्लैब है 1200 का है, इसमें डाया 800 का है। टॉप में जो स्लैब का थिकनेस होगा 200 का है, बॉटम में जो स्लैब का थिकनेस है 200 mm है, वॉइड पाइप के नीचे और ऊपर दोनों सेम है। उसके बाद से आप देख सकते हैं ये कोन का डायमेंशंस हो गया। कोन का जो लेंथ है 800 mm का है, और जहाँ पे वॉइड पाइप ख़त्म हो रहा है वहाँ से और सेंटर लाइन ऑफ बियरिंग का जो डिस्टेंस है लेंथ वो 1500 का है। उसके बाद से सेंटर लाइन ऑफ बियरिंग से जो एक्सपेंशन गैप है उसके बीच का डिस्टेंस आप देख सकते हैं 575 mm है, और 25 mm का ये एक्सपेंशन गैप दिया है। तो इस तरह से ये पूरा डायमेंशनल डिटेल हो गया ए का, और इसमें 175 mm का ये ऑफसेट भी है। 800 mm का इसमें जो एन डायफ्राम है ये थ्रू आउट, जो कि ये सोफिट जो स्लैब है 7 मीटर 500 तक, ये जो है एन डायफ्राम है ये 800 mm तक रहेगा दोनों, जो इसका जो एंड है वहाँ पे P18 और एबटमेंट A2 के साइड में। अब दोस्तों मैं इसका सेक्शनल जो डिटेल है, सेक्शन 1-1 कहाँ से काटा है, P18 के एन डायफ्राम का काटा है, और उसके बाद से इसका जो एक सेक्शन काटा है 2-2 जो सेंटर से काटा है वॉइड स्लैब का, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 1-1 जो P18 के एन डायफ्राम पे काटा है, उस पर आप देख सकते हैं जो उसका जो सेक्शन है वहाँ पे जो विथ है 12 मीटर 270 से 13 मीटर 234 तक ये वेरीज करेगा उसका है, और ये आप जो इसका वॉइडेड स्लैब का बेस विथ है 7 मीटर 500, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें 1, 2, 3 नंबर ऑफ पेडेस्टल है, इसके ऊपर बियरिंग प्लेसिंग होगा, इसको मैं साइड पे आपको दिखाऊंगा। ये डायमेंशनल डिटेल ड्राइंग है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है स्लोप, तो स्लोप यानी सुपर एलिवेशन यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे जो एक साइड में दिया हुआ है मिनिमम 50 mm, वही दूसरे साइड में एक्स्ट्रा थिकनेस ये कितना रहेगा ET लिखा हुआ है, ये कितना रहेगा इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसमें हमको स्लोप मालूम करना है, तो स्लोप कहाँ से कैसे दिया हुआ है उसको मैं दिखा रहा हूँ। ये है दोस्तों पियर P18 के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्लोप है परसेंटेज प्लस माइनस 5.35% है, और वही एबटमेंट A2 पे इसमें जो स्लोप दिया हुआ है सुपर एलिवेशन 1.46% प्लस माइनस दिया हुआ है। अब हम इसका आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। ये जो स्लोप है 7 मीटर 500 के लेंथ में यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका कितना mm ये ऊपर जाएगा उसको मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। दोस्तों जो सोफिट का बॉटम विथ दिया हुआ है एज पर ड्राइंग के अनुसार ये 7 मीटर 500 है। अब ये हमको स्लोप निकालना है 7 मीटर 500 पे 5.35 सुपर एलिवेशन ये कितना mm आएगा, जो एक्स्ट्रा थिकनेस हमको लगाना है ये कितना आएगा वो तो कैसे निकलेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले 7 मीटर 500 इंटू 5.35 इतना परसेंट कितना होगा, ये 7.5 इंटू इसको हम इतना लिख सकते हैं 5.05% को 0.0535, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये हमको मीटर में मिलेगा 0.401 मीटर। इसको जब हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास
1 mm आ जाएगा। तो यहाँ ये जो हमारे पास थिकनेस हो गया ये 401 mm हो गया। हमको टोटल जो थिकनेस है एक्स्ट्रा यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, तो 401 प्लस 50 ये हो जाएगा 451 mm। आप ड्राइंग में देख सकते हैं टॉप से इसका जो थिकनेस है 500 mm है, यहाँ तक जो कैंटिलीवर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ये 700 mm का होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1200 है ड्राइंग में दिया हुआ है, तो 12 में से 500 माइनस कर देंगे ये हो जाएगा 700। उसके बाद से सुपर एलिवेशन के अनुसार से आए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये निकल गया, तो ये पूरा साइड पे सेटअप हो जाएगा। सेम उसी तरह से ये 500 दिया हुआ है तो ये 700 हो जाएगा और ये 50 mm दिया हुआ है। इस तरह से पूरा हम ये P18 है, P18 के साइड हम अपना स्टेजिंग का अरेंजमेंट करेंगे। सेम उसी तरह से जो A2 है एबटमेंट उस पर इसी तरह से स्लोप निकालेंगे, बट उसका जो परसेंटेज है 1.46% है। तो सेम इसी तरह से निकालना है 7 मीटर 500 इंटू 1.46 का इतने कितना आएगा 7.5 इंटू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.0146। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 0.1095 मीटर। यानी कि इसको हम अगर mm में लिखें तो 109 mm ये आ जाएगा। तो फिर सेम उसी तरह से 109 प्लस 50 कर देंगे तो यहाँ का थिकनेस आ जाएगा और यहाँ पे 50 mm है। तो हम सेम इसी तरह से A2 साइड का सुपर एलिवेशन निकाल करके शटरिंग का स्टेजिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों सेक्शन 1-1, दोनों साइड में P18 और A2 के तरफ हम स्लोप कैसे निकालेंगे। उसके बाद से अब हम दिखा रहे हैं आपको सेक्शन 2-2, जिसमें वॉइड पाइप का डिटेल दिया हुआ है और ये सेंटर लाइन का है, इसीलिए इसमें इस सेक्शन में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ वॉइड पाइप है जिसका डाया 800 mm है। 800 mm है, इसमें टॉप में थिकनेस आप देख सकते हैं 200 का है, बॉटम में भी 200 का है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 800 mm डाया ऑफ RCC वॉइड। उसके बाद से दोस्तों जो हम पाइप को प्लेसिंग करेंगे तो कैसे प्लेसिंग करेंगे, हमने तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक शटरिंग प्लेसिंग कर दिया, तो एंड फेस से सेंटर लाइन ऑफ फर्स्ट जो वॉइड पाइप होगा उसका सेंटर 1050 होगा। उसके बाद से प्रत्येक सेंटर लाइन ऑफ वॉइड पाइप से प्रत्येक वॉइड पाइप का जो डिफरेंस है 1350 होगा और एंड में भी 1050 mm होगा। तो ये हो गया दोस्तों सेक्शन 2-2, जिसमें वॉइड पाइप के अरेंजमेंट और इसका पूरा डिटेल डायमेंशन ड्राइंग आप लोगों ने देखा। दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका पूरा डिटेल रिइंफोर्समेंट ड्राइंग अगर आप देखना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये सारा डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल BBS वाला को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, घंटा दबाइए, जिससे कि आने वाला वीडियो इसका रिइंफोर्समेंट प्लेसिंग कैसे कैसे किया गया है सभी डिटेल आपको देखने को मिल सके। इसके अलावा साइट पे जो इसका जो स्टेजिंग अरेंजमेंट किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं ये स्टेजिंग अरेंजमेंट का ड्राइंग है कैसे कैसे किया गया है। प्रत्येक स्पान का अलग अलग है, ये 95 मीटर स्पान का है। तो सारा डिटेल आप इस वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।